कोई आवाज नहीं आ रही है। देखोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज कोई श्वेता क्लियर पांडे। आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ जाएगी सर क्लियर आवाज। अभी क्लियर है सर आवाज? सर वॉइस क्लियर है आप? यस मैम, आ रही सही। जी सर, अभी यस तक मैम, मैंने आती है। स्टार्ट किया नहीं था। ओके सर, तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पांडे और आज का हमारा सेशन है बिजनेस फिगर ऑफ बीओपीबी एज ऑन 31 मार्च 2023। ये जो फिगर्स हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आज जो हम फोकस करेंगे वो हमारी डेट है 31 मार्च 2023 को फोकस करते हुए। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। सेशन को स्टार्ट करेंगे हम। इस सेशन में अगर हम देखें तो ये स्पेशल सेशन है और आज के हमारे सेशन में कुछ थ्योरी पार्ट भी है जिसमें हम कुछ डेटा देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और इसी के बाद फिर हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स वैसे तो रेडी हैं, ठीक है, सभी के जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं। कनेक्टिविटी इशू नहीं था सर, बस मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर पार्टिसिपेंट्स कुछ इस बिजनेस फिगर से रिलेटेड बताना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं स्कीम पर, इस सेशन पर। गुड इवनिंग दीपक सर, फौजी प्रदीप सर जी, गुड इवनिंग अभय सर, गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो बताइएगा जरा आप बिजनेस फिगर पर क्या आप बताना चाहेंगे। अभी ऑडिट बैलेंस शीट तो आई नहीं, क्या इस ईयर का डेटा पूछा जाएगा एग्जाम में? देखिए, जहां तक का डेटा बन चुका है या शीट आ चुकी है सर, वहीं तक का पूछा जाएगा, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन है तो वो हम अप टू डेट करते जाएंगे सारी चीजों को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करें। बीयूपीबी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स के कुछ प्रोविजनल हम देखेंगे। प्रोविजनल मतलब कुछ प्रावधान एक तरीके से हैं। एज ऑन 31 मार्च 2023 हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल बिजनेस ₹83,480 करोड़। तो ये डेटा है, हमको डायरेक्ट याद करना है कितना हमने देखा, 83,480 करोड़। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हम देखते हैं ग्रोथ जो है एक तरीके से वो रही है 10.74% टोटल बिजनेस की हमने बात कही। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल डिपॉजिट्स कितने रहे बीयूपीबी के। तो यहाँ पे अगर हम टोटल डिपॉजिट से पहले भी देखें तो यहाँ जो एनालाइज हमने किया है ये डेटा देखने के बाद 83,430 करोड़ का जो बिजनेस रहा है, तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्रेट रहा है। तो व्हाट अ ग्रेट बिजनेस, इसे हम कह सकते हैं। और सभी के काफी अच्छे एफर्ट्स रहे हैं और इसी के बाद हम ये देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी ये सारी चीजें एफर्ट्स से ही रही है एक तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा टोटल डिपॉजिट्स जो रहा है बीयूपीबी का वो रहा है 59,552 करोड़, 9.11%। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? देखिएगा आगे बढ़ते हैं CASA डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स। तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या होना चाहिए इसका फुल फॉर्म? CASA डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट,
टोटल बिजनेस इज 83,478, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये आप सभी का योगदान ही रहा है, तो इसलिए आप लोग का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सभी के रिप्लाई यहाँ पर आ चुके हैं, और रिप्लाई में आया है कि जो अगर हम देखें कासा डिपॉजिट जो हमें 42,355 करोड़ दिखा रहा है, ये जो रेशियो है एक तरीके से एक्सीलेंट रेशियो हम देखते हैं, और ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें हम देखते हैं। तो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का एक्सीलेंट रेशियो रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, ठीक। इसको याद रखिएगा, 11.49%, और अगर कासा परसेंटेज हम देखें तो 71.12%। देखिए ये एक इस तरीके से आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आप सभी का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप सभी का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। एक सेकेंड, तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि आप सभी लोग इसे डिस्कस भी करें। इसके आगे अगर हम देखें तो देखिएगा 42,355 करोड़, 11.49%, 71.12%। तो इसके साथ हम इसे ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि एक्सीलेंट रेशियो ऑफ कासा, और ये एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब एडवांसेस ऑफ बीयूपीबी, कितना एडवांसेस रहा है, 23,929 करोड़ रुपीस, मतलब कि 15.04% ग्रोथ रही है। तो यहाँ पे हम पूरी स्कीम को पढ़ते हुए डायरेक्ट यही एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो रेशो हम देख रहे हैं, जो हम डेटा देख रहे हैं, जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हर एक टॉपिक पर ये कह सकते हैं कि ये एक्सीलेंट रेशो रहा है, एक्सीलेंट ग्रोथ रही है, और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब ग्रॉस एनपीए अगर हम देखें, ग्रॉस एनपीए ऑफ बीयूपीबी, तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बताना चाहेंगे? वैसे तो आप सभी को सब कुछ पता है, बट स्टिल एक सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक बार आंसर जरूर करें। तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ओके, ठीक ठीक ठीक। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो ग्रॉस एनपीए हमारा रहा है वो रहा है 1,785 करोड़ रुपीस, और इसमें भी हमने रिडक्शन देखा है, तो ये रिडक्शन कितना रहा है, 12.24%। मैं कोशिश करूंगी कि हम जितना भी डेटा पढ़ते जा रहे हैं वो आपको एक बार याद हो जाए बहुत अच्छे से, तो आप लोग बस एक बार और इसको हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे, तो एमसीक्यूज के पहले ये सारा डेटा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो नेट प्रॉफिट रहा है बीयूपीबी का वो रहा है 101 करोड़ रुपीस, जिसमें हम ग्रोथ कितना देख रहे हैं, हर एक चीज में ग्रोथ अपन हम कैसा देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग वे में ही है, 60.70%। तो नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ग्रोथ हमने देखा, 60.70, 1782 करोड़ इज ओके। सर ये क्या है, ये 31 मार्च 2023 तक के अकॉर्डिंग डेटा है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बिजनेस फिगर्स हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उस बेसिस पे ये तो जो डेटा है ये 31 मार्च 2023 के बेसिस पर है, और एमसीक्यू से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, एक बार आप इसको देख लीजिए स्लाइड को, और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊंगी, इसको हाइड कर दूंगी, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो बिजनेस परफॉर्मेंस जो हमने देखा है उसमें हमने देखा है टोटल बिजनेस हुआ है 83,480 करोड़, 10.74% ग्रोथ देखी हमने। अब चैट सेक्शन में आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए परफॉर्मेंस हाइडलाइट्स में टोटल बिजनेस कितना देखा हमने और ग्रोथ रेट कितना देखा। अभी हमने ये डेटा देखा है, एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो कितना हमने टोटल बिजनेस देखा, 83,480 करोड़ रुपीस, ठीक है। सौरभ सर का आंसर आया है, अमित सर का आंसर आया है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और आई होप कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर जरूर देंगे। और वैसे तो मैं बहुत सारा डेटा देख पा रही हूँ यहाँ पर, बट स्टिल जैसे ही मैं बिजनेस ग्रोथ पर आ रही हूँ, बिजनेस ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हुए, तो इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है, आप सभी के इतने अच्छे एफर्ट्स रहे हैं कि ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं बिजनेस ग्रोथ में। तो ये हमें बेहद अच्छे तरीके से याद करना है, सभी के आंसर आए 83,480 करोड़, 10.74%, ठीक है।
अब हम आते हैं टोटल डिपॉजिट पर। तो टोटल डिपॉजिट कितना देखा हमने, 59,552 करोड़ रुपीस, 9.11%। याद रखिएगा इसको, इसे हम जितनी बार रिवाइज करेंगे हमें याद हो जाएगा, 59,552 करोड़, 9.11%। ठीक जी, 10.74% ग्रोथ रेट, ये हमने इससे पहले वाले डेटा में देखा। अब बताइएगा आप टोटल डिपॉजिट कितना रहा और ग्रोथ रेट कितना रहा, बताइएगा जरा। 59,552, ठीक है चंदन सर। ओके। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिए आप, अभी हमने करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हम देखने वाले हैं। इसमें हमने कितना देखा, 42,355 करोड़ रुपीस, 11.49% तो ग्रोथ रहा। वहीं हमने कासा परसेंटेज कितना देखा, ये देखा 71.12%। इसमें पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज कहां पर देखा, तो 42,355 डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स 11.49% ग्रोथ एंड परसेंटेज 71.12%। बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स, सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर एमसीक्यूज भी हैं, तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसा पूछा जा रहा है, और अभी जो हम ये रिवाइज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा आंसर करते टाइम। ठीक, एडवांसेस कितने हैं, 23,929 करोड़, और इसमें ग्रोथ हमने देखी 15.04% की। एनपीए 1785 करोड़, 12.24%। ठीक, नेट प्रॉफिट ऑफ बीयूपीबी एज ऑन 31st मार्च 2023 हमने देखा 101 करोड़ रुपीस, दैट इज ग्रोथ इज 60.70%। अब हम आते हैं एमसीक्यू ऑन जनरल बैंकिंग पर। तो यहाँ पे हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं जनरल बैंकिंग पर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। वैसे तो पहला आंसर शायद सभी ने देख लिया, बट स्टिल देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द बिलो इज, एक सेकेंड, एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। विच वन ऑफ द बिलो इज करेक्ट इन केस ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ सेफ कस्टडी। देखिए, हमको क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आंसर पर आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, इसमें से जो बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप होता है बैंकर और कस्टमर के बीच में केस सेफ स्टडी के टाइम पर, तो करेक्ट क्या है, तो ये होता है बेली और बेलर, मतलब बैंकर जो है वो बेली और कस्टमर रिलेशन जो कस्टमर होंगे वो जाएंगे बेलर। तो करेक्ट आंसर है बी, बेली बेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इज डिफाइंड इन विच एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बताइएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मतलब कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है गुड्स के लिए, ये आइडेंटिफाइड किए गए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप सभी के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो आंसर, करेक्ट आंसर है सी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सभी का आंसर सही है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर पूछा गया है, करेंट रेशियो ऑफ द फर्म वॉज, जो फर्म है एक तरीके से उसका करंट रेशियो था कितना, 1:1 इन द प्रीवियस ईयर। जो करंट रेशियो है फर्म का वो था 1:1 इन द प्रीवियस ईयर, और ये कंटिन्यू रहा, मतलब कंटिन्यूटी में हमने इसे सेम ही देखा है, लेकिन क्विक रेशियो जो था वो चेंज हो जाता है 0.69:1 to 0.97:1, द चेंज विल बी ऑन अकाउंट ऑफ।
एक बार देखिए, आंसर समझने से पहले ये समझिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि करंट रेशियो तो उतना ही रहा, लेकिन जो क्विक रेशियो था उसमें चेंज आ गया, और चेंज कितना आया, 0.69:1 से 0.97:1 हो गया। तो चेंज किस कौन से अकाउंट पर आएगा, तो चेंज जो आएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आएगा क्विक एसेट्स पर, इन टोटल करंट एसेट्स इंक्रीजेस, क्योंकि ये टोटल करंट एसेट्स इंक्रीज हुए यहाँ से, तो परसेंटेज ऑफ क्विक एसेट्स इन टोटल करंट एसेट्स इंक्रीजेस। ठीक, सभी का आंसर सही है, मनोज सर का आंसर देख पा रही हूँ मैं लास्ट में, तो आंसर सही है सर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ऑल करेंट एसेट्स, ऑल करेंट लाइबिलिटीज, ऑल फिक्स्ड एसेट्स और ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ए ऑल करेंट एसेट्स। ओके, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आप सभी के अकॉर्डिंगली रविंद्र सर, निखिल सर, मेघा मैम, एनके यादव सर, दीपक सर, आप सभी का आंसर आ रहा है ए। आइए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है बी, ऑल करेंट एसेट्स, तो आप सभी का आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज राइट ऑफ सबरोगेशन। अगर पार्टिसिपेंट्स में से किसी भी पार्टिसिपेंट्स ने इससे पहले मेरे सेशन लिए हुए हैं, तो वहां पे हमने सबरोगेशन के बारे में पढ़ा था, तो क्या होता है राइट ऑफ सबरोगेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूज गारंटर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूज द डेप्टर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ डेप्ट ड्यू और पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय डेप्टर टू क्रेडिटर ऑन प्रेजेंटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आप सभी का आंसर आ रहा है ए, मतलब कि ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूज गारंटर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं, और हमारा करेक्ट आंसर है ए, जैसा कि आप सभी ने बताया, ऑन पेमेंट ऑफ द ड्यूज गारंटर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन बैंक एडवांस रुपीस, जो एवरग्रीन बैंक है उन्होंने एडवांस किए 100 लाख रुपीस ऑन प्लेज ऑफ स्टॉक्स, प्लेज ऑफ स्टॉक्स पर, द टाइप ऑफ एडवांस इज कैश क्रेडिट, और इन्होंने कैश क्रेडिट किया है। इन दिस केस द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज, तो अब कितने दिन में जो चार्ज है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा आरओसी के साथ, 30 days फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, 60 days फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, 120 days फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन और नन ऑफ द अबव। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ रहे हैं ए, 30 D, ओके 30 days, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ आंसर और आ रहे हैं अभी लगभग, तो पहले हम सभी के आंसर देख लेते हैं और फिर करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स के आंसर आ चुके हैं और करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि अगर किसी और पार्टिसिपेंट्स का आंसर कुछ और आना है तो देख लेते हैं, बट स्टिल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आंसर क्या है, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं, 15, ओके दीपक सर का आंसर आ रहा है 15, ओके सर, थैंक यू सर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, 15 डेज है शायद सर, इसको एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के डेज इमीडिएटली, अच्छा आप एक आंसर आ रहा है 15 डेज और एक आंसर आ रहा है कि इमीडिएट इसे कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, अगर कुछ चेंजेस उसमें होंगे, वैसे तो 15 डेज ही आ रहा है, पहले 30 था अब 15 हो गया है। हाँ जी सर बिल्कुल, तो ये 15 डेज का हो गया है, बट स्टिल एक बार इसको आपको प्रॉपर हम बता देंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट अ माइनर अटेंस मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, कौन से अधिनियम के तहत एक माइनर मेजोरिटी पर आ जाता है 18 साल पूरे करने पर, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, 1872, इंडियन माइनॉरिटी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1926। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये पहला क्वेश्चन है जिस पे ऑप्शन 3 आ रहे हैं ए बी और सी। श्योरिटी किसको है, 100% श्योर, कौन सा आंसर होना चाहिए,
निखिल सर बोल रहे हैं ए, जयराम सर कह रहे हैं ए, बबलू सर, नितिन सर ए, लोकेश सर कह रहे हैं ए को श्योरिटी है। ठीक है, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इसको हम ऐसे कवर कर सकते थे कि मेजोरिटी एक्ट है, तो मेजोरिटी एक्ट में सबसे पहले तो यही बताया जाएगा कि मेजोरिटी में आएगा कौन, इस वजह से माइनॉरिटी में ना बताती हुए ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत कहा गया है कि कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स पर माइनर अटेंड्स मेजोरिटी। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनर हैविंग एज ऑफ 13 इयर्स केम विथ ऑर्डर चेक फॉर ₹20,000। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो माइनर जो है 13 वर्ष का है, वो एक ऑर्डर चेक के साथ आता है ₹20,000 के। इस केस में क्या चीज सही होगी? बैंक कैन नॉट पे बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिटियो। बैंक कैन पे एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बैंक कैन पे एज पर सेक्शन 26 ऑफ एनआई एक्ट। बैंक शुड टेक विटनेस एंड पे। देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। आप सभी का आंसर आ रहा है बी, और करेक्ट आंसर है सी, बैंक पे कर सकता है और ये सेक्शन 26 होगा एनआई एक्ट का। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्निशी ऑर्डर इशूड अंडर विच एक्ट। गार्निशी ऑर्डर कौन से एक्ट के तहत इशू किया जाता है? आईपीसी 1860, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए और बी, अब कौन से आंसर को लॉक किया जाए बताइएगा। 100% श्योरिटी कौन से आंसर पर? चंदन सर कह रहे हैं बी, अमित सर कह रहे हैं बी, कुछ आंसर ए भी आए हैं। बी, सौरभ जी तो कह रहे हैं बी को ही कर दीजिए लॉक। ठीक है, देखते हैं बी को। ओके ओके, बी 100%। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, सभी का आंसर सही है। प्रदीप सर बी 100%। ओके, तो जो गार्निशी ऑर्डर है इसे इशू किया जाता है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी रजिस्टर्ड विथ। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है इसे किसके साथ रजिस्टर्ड कराना रहता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। दीपू सर कह रहे हैं बी, वैसे तो सभी का आंसर बी आ रहा है। तो कंपनीज के साथ रजिस्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू रजिस्टर्ड कराना रहता है। ये देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। लगभग सभी का आंसर आ चुका है बी। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जैसे ही आप सभी पार्टिसिपेंट्स के सेम ऑप्शन के आंसर आने लगते हैं तो आंसर करेक्ट हो जाता है। वैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सभी का आंसर अभी जैसे कि बी आ रहा था शायद और नन ऑफ द अबव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर जब हम देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ऑल फिक्स्ड एसेट्स, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स और गुडविल। ए, आप सभी का आंसर आ रहा है ए। ओके, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The bank has paid amount against our demand bill in the branch which account has to be debited? Protested bills, bills discounted, bills advanced or bills purchased? Deepak sir working capital पर कुछ कह रहे थे। अच्छा, ओके, वो तो ए वाला वर्किंग कैपिटल होगा। हाँ ठीक है, जो नेटवर्थ है वो पेड अप कैपिटल के साथ फ्री रिजर्व हो जाएगा। तो बैंक ने अमाउंट पे किया है डिमांड बिल के अगेंस्ट में। ब्रांच में, शाखा में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? प्रोटेस्टेड बिल्स, बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स एडवांस्ड और बिल्स परचेस्ड, बताइएगा। बी और सी आंसर आ रहे हैं करेक्ट। दो आंसर आ रहे हैं करेक्ट। आंसर क्या होना चाहिए?
कौन से आंसर को लॉक कर दिया जाए? 50-50% है बी या सी, डिस्काउंटेड बिल। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, बिल्स परचेस्ड। जो बिल परचेस्ड किए गए हैं इसमें डेबिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक इज आल्सो नोन एज। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवाइजिंग बैंक को और क्या कहा जाता है? नोटिफाइंग बैंक, इंटीमेटिंग बैंक, कम्युनिकेटिंग बैंक और नॉमिनेटिंग बैंक, बताइएगा। नोटिफाइंग बैंक, नॉमिनेटिंग बैंक, कम्युनिकेटिंग बैंक। अच्छा, सभी पार्टिसिपेंट्स काफी अच्छे से आंसर कर रहे हैं तो मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ, बट आंसर लगभग मैं देख पा रही हूँ। डी नॉमिनेटिंग बैंक, डी नॉमिनेटिंग बैंक, नॉमिनेटिंग बैंक। ओके, जी अनिल सर बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। आपने आंसर बताया है क्या? ए, निखिल सर कह रहे हैं ए होना चाहिए। ओके, ओके, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। ए श्योर, ओके, आंसर ए है, नोटिफाइंग बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो एडवाइजिंग बैंक होते हैं उनको नोटिफाइंग बैंक भी कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट हाउ मेनी बैंक्स आर इन्वॉल्व। अगर बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का केस है तो कितने बैंक इन्वॉल्व किए जाते हैं? 2, 3, 4, 1, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 2, ओके, 2 बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं आप सभी के अकॉर्डिंग। एक आंसर है 3, बाकी सभी का आंसर आ रहा है ए। एक आंसर और आया है बी। आइए देखते क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। सभी ने आंसर दे दिए हैं क्या? कुछ सेकंड और वेट कर लेते हैं फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लगभग सभी के आंसर आ गए हैं और करेक्ट आंसर है बी, 3। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया कि कुछ आंसर्स आए थे बी, तो मैं बताना चाहूंगी कि बी किसका आंसर आया था। नितिन सर ने कहा था बी और मनोज सर का आंसर आया था बी। और अगर मैं देख पा रही हूं तो बी, बाकी सभी के आंसर 2 आ रहे हैं और इसमें, हाँ ठीक है, लगभग यही आंसर आए हैं 2। तो जो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का केस होता है इसमें 3 बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग देयर विल नॉट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। किस तरीके की क्रॉसिंग में ड्यू कोर्स के लिए होल्डर नहीं होंगे? मैम कौन से 3 बैंक होंगे? ओके, एक सेकेंड सर। हाँ, तो यहाँ पर कोई बताने चाहेंगे कि कौन से 3 बैंक रहेंगे इसमें? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा मनोज सर ने जो आंसर दिया था, मनोज सर आप बताना चाहेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट में ड्यू कोर्स किया है। ओके, डिस्कस करना चाहेंगे? लो मैडम, ऐसा ना, मैंने तो फिगर देखा था एक जगह, एक क्लास चली तो उसमें 3 बैंक इंक्लूड की थी, इसलिए मैंने 3 पर किया था। तो क्लियर नहीं था मेरा भी, लेकिन मैंने 3 बता दिया क्योंकि उसमें एक डायग्राम बना था उसमें 3 बने हुए, 3 पर लगाया था मैंने। अच्छा, मतलब सर ऐसा कुछ पर्टिकुलर बैंक नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? ऐसा पर्टिकुलर नहीं, किसी एक बैंक से दूसरे में जाए, दूसरे तीसरा एक उसको ऑर्डर करता है, ऐसे 3 बैंक इंक्लूड रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जी सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी का आंसर आ रहा है नॉट नेगोशिएबल। तो अच्छा ठीक है, थैंक यू निखिल सर। यहाँ पर जो 3 बैंक हम बात कर रहे थे तो इसमें जिस तरीके से अभी सर ने भी हमें बताया कि ऑर्डर रिसीविंग ऐसा रहता है, तो निखिल सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें बताया है डिटेल में कि एक इशूइंग बैंक रहेगा, मतलब कि जो इशू करेंगे, एक एडवाइजिंग बैंक होगा,
जो एडवाइजरी देंगे और एक कंफर्मिंग बैंक होगा, तो इस तरीके से थ्री बैंक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरीके की क्रॉसिंग में विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग होल्डर नहीं रहते हैं ड्यू कोर्स के लिए, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नॉट नेगोशिएबल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉमिनेशन ऑन बैंक डिपॉजिट्स इज एज पर विच सेक्शन, बैंक डिपॉजिट में जो नॉमिनेशन किया जाता है वो कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है? 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 45ZA ऑफ RBI एक्ट, 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और 45Z ऑफ RBI एक्ट। बी श्योर बी 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 ए बी दोनों आंसर सर। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है एक सेकंड रुकेगा आप सब लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम थे और सभी का आंसर आ रहा था बी। करेक्ट आंसर है सी, 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो नॉमिनेशन होता है बैंक डिपॉजिट्स पर वो 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किया जाता है, तो RBI एक्ट नहीं होगा। सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा तो काफी अच्छे से आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीवेबल्स ₹120 लाख, सेल्स ₹720 लाख, व्हाट इज डेप्ट कलेक्शन पीरियड? 2 मंथ्स, 6 मंथ, 1 मंथ और 3 मंथ्स। तो जो रिसीवेबल्स हैं वो 120 लाख रुपए के हैं, सेल जो हुआ है वो 720 लाख रुपए का हुआ है। डेप्ट कलेक्शन पीरियड कितना रहेगा बताइएगा। करेक्ट आंसर ए और बी, ए बी ए बी आंसर आ रहा है बी 100%। ओके, देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ए, 2 मंथ्स। जो डेप्ट कलेक्शन पीरियड होगा वो 2 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लॉ एंडोर्समेंट कैन बी ऑन द फेस ऑफ द चेक, ऑन द बैक ऑफ द चेक, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। लॉ एंडोर्समेंट के तहत क्या मतलब रहेगा, फेस ऑफ द चेक, बैक ऑफ द चेक, या तो ए बी या फिर नाइदर ए और बी। एक आंसर आया है सी, बाकी सभी का आंसर आ रहा है लगभग बी। करेक्ट आंसर है यहां पर सी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्ज्ड और काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन शुड बी रिपोर्टेड टू FIU IND इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, शुड बी रिपोर्टेड नॉट लेटर देन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच ट्रांजेक्शन? 15, 22, 7, 30। श्योरिटी बताइए कौन से आंसर पर होनी चाहिए, कौन सा आंसर लॉक कर दिया जाए। सी श्योर, ओके, रविंद्र सर कह रहे हैं सी श्योर। अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच ट्रांजेक्शन। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज हाई इट कैन बी constitute that the margin of safety is low, medium, high, moderately high.
CTR 15, STR 7, ओके निखिल सर। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हाई है तो क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो लो है, मीडियम है, हाई है या फिर मॉडरेटली हाई है? लो, हाई, फिर से लॉक कर दें। कौन से आंसर पर बताइएगा, श्योरिटी कौन से आंसर पर है? लो, ओके। डी, अजीत सर का आंसर आया है मॉडरेटली हाई, निखिल सर कह रहे हैं डी मॉडरेटली हाई, ओके। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है ए लो। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हाई पर जा रहा है तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत कम रहेगी, ठीक, लो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई पेज एजेंसी कमीशन टू बैंक्स फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन एट रुपीज हाउ मच पर ट्रांजेक्शन। जो आरबीआई है वो एजेंसी कमीशन को पे करती है फॉर बैंक्स, किस चीज के पेमेंट के लिए? पेंशन के लिए। पर ट्रांजेक्शन कितना रुपीज लगता है? 100 रुपीज, 75 रुपीज, 100 रुपीज इज नॉट एन ऑप्शन, 75, ओके, 60, 65, ओके, 75। यहाँ पर तो चारों ऑप्शन आ रहे हैं आंसर में, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? श्योरिटी कौन से आंसर पर होनी चाहिए? प्रदीप सर कह रहे हैं 75, ए श्योर, रवि सर ए पर श्योर हैं, बी 100%, 75, ओके। तो यहाँ पर श्योरिटी दो ऑप्शन पर आ रही है, आइए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर है, बी 75 रुपीज। आरबीआई अगर एजेंसी कमीशन देती है बैंक को पेंशन पेमेंट के लिए तो पर ट्रांजेक्शन 75 रुपीज लिया जाएगा, एट द रेट रुपीज 75, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन रिलीज्ड द बेसिल थर्ड नॉर्म्स इन जनवरी 2010, दिसंबर 2010, अप्रैल 2013 और अप्रैल 2018। तो जो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग प्रोविजन है BCBS, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS ने बेसिल थर्ड नॉर्म्स कब लेकर आए थे? अप्रैल 2018, अप्रैल 2013, ये आप सभी के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, अभी आ रहे हैं आंसर, ठीक है, बताते जाइए आप लोग आंसर। श्योरिटी कौन से आंसर पर है, 100% कौन सा आंसर होना चाहिए? ए बी सी, सी 100%, लॉक कर दें प्रदीप सर, सी आंसर, अप्रैल 2013, दीपू सर ओके, सी, हाँ मैं ओके। तो आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, बी दिसंबर 2010, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एज पर बेसिल थर्ड नॉर्म्स एप्लीकेबल इन इंडिया द मिनिमम रिक्वायर्ड टायर वन कैपिटल रेशियो शुड बी 5.50%, 9%, 7%, 8.50%। तो बेसिल थर्ड नॉर्म्स जो एप्लीकेबल है इंडिया में उसके अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायर्ड टियर वन कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए? 8.5, 7। देखिए कभी कभी आंसर गलत होना भी जरूरी है, लेकिन लगभग अगर 90% आंसर सही जा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रैक्टिस और आपका रिविजन बहुत बढ़िया है। देखिएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है सी 7%, जैसा कि आप सभी का आंसर आ रहा था। जी प्रदीप सर, आपका आंसर करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंडर द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क द सम ऑफ ऑल एक्सपोजर वैल्यूज ऑफ अ बैंक टू अ काउंटर पार्टी और अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज is defined as a large exposure LE if it is equal to or above how much percentage of the bank's eligible capital base, 25%, 20%, 30% or 10%। large exposure framework के तहत
जितना भी एक्सपोजर वैल्यू जो बैंक का होता है उसका जो सम होता है काउंटर पार्टी या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज के लिए, ये लार्ज एक्सपोजर LE में डिफाइन किया गया है, अगर ये कितना परसेंट इक्वल या अबव होता है बैंक के एलिजिबल कैपिटल बेस से, बैंक्स, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है D 10%, 10% होगा ये यहाँ पर डी। हाँ तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आंसर दिया डी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन FCNRB अकाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करंट ओनली, सेविंग्स, करंट, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ओनली और एनी ऑफ द अबव। सी श्योर, टर्म डिपॉजिट ओनली, ओके। तो जो FCNRB अकाउंट है वो टर्म डिपॉजिट ओनली इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, 100% सी, करेक्ट आंसर है सी, टर्म डिपॉजिट ओनली। अभी ये वाले क्वेश्चन के आंसर पर अभी सबका स्टार्टिंग में आंसर आ गया था सी श्योर, सी 100%, ठीक है, करेक्ट है आप सभी का आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया Having a business interest in India for putting through bona fide transactions in rupees should be advised to open which type of account? SNRR account, NRO account, NRE account or EEFC account? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए रुचि रखता है या रखते हैं और बोनिफाइड ट्रांजेक्शन रुपीज में करना है तो इन्हें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? SNRR, NRO, 100% श्योरिटी बी, ओके बी श्योर, देखें करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, SNRR अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव फॉर एक्सपेंस बी। ओके निखिल सर, निखिल सर ने आज हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एक तरीके से हमारे लिए, या बेनिफिट रखती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। डेरिवेटिव नहीं है इसमें से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट, आर्बिट्रेज और नन ऑफ द अबव ऑल आर डेरिवेटिव्स। बी और सी आंसर आया है, सी, नो आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम सर। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, सी 100%, वैसे तो सी ही होना चाहिए और करेक्ट आंसर है सी, आर्बिट्रेज, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, The mutual funds which invest in a diversified asset class consisting of equity and debt are called gilt funds, balanced funds, diversified funds or multi-cap funds. Mutual funds जो diversified asset class में invest करते हैं, जिसमें equity consist करती है और debt भी, इन्हें क्या कहा जाता है? सभी का answer आ रहा है B, balanced funds, okay. नितिन सर का आंसर आया है बैलेंस्ड फंड, दीपू सर बैलेंस्ड फंड, दीपक सक्सेना सर बी 100%, ओके सो करेक्ट आंसर है बी, बैलेंस्ड फंड्स। द म्यूचुअल फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासिफाइड कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फंड्स। इस तरीके से आप लोग भी एक बार रीड कर लिया कीजिए तो आप क्या होगा ना, एक फ्लो बन जाएगा याद कर, और चीजें याद रहेंगी काफी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are part of shadow banking? Small finance banks, RRBs, NBFCs, all of the above. तो shadow banking का part हमको बताना है, small finance banks, RRBs, NBFCs और all of the above. T, NBFCs, okay. NBFC शायद, shadow banking. Non-banking financial, okay. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी, NBFCs, करेक्ट है आप सभी का आंसर और
इसी के साथ लास्ट आंसर दिख चुका है, बट स्टिल पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉन्सेप्ट वॉज मेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? रघुराम राजन, नचिकेत मोर, उदय कोटक और पीजे कुमार। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को, आंसर देखा है या नहीं देखा है, बट स्टिल लास्ट क्वेश्चन है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आंसर जरूर बताएं। तो जो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कमिटी के अनुशंसा पर बना था, रिकमेंडेशन पर बना था एक तरीके से? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, नचिकेत मोर कमिटी। सो पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कॉन्सेप्ट वॉज मेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमिटी। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। आज का हमारा शुभ विचार है, किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और उसका दृढ़ संकल्प उसको एक गरीब से राजा बना सकती है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बट स्टिल अगर आपके कोई फीडबैक है जो हम अपनी, मतलब मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और सेशन में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अदरवाइज ये सेशन यहाँ एंड होता है, फिर आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि। इंटरेस्टेड, ओके, नंबर ऑफ, थैंक यू एवरीवन।